रैंडी ओटन करने वाले हैं रेसलमेनिया में रिटर्न और साथ ही वो करेंगे अटैक रोमन रेंज पर। क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं रेसलिंग फैन राहुल चैनल। जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रैंडी ओटन जो है एक बहुत ही बड़े WWE सुपरस्टार है और मैं नहीं मानता कि कोई भी, चाहे उनका इवन हेटर्स भी हो, वो भी मेरे इस बात से डिनाई करेंगे कि भाई जो रैंडी ओटन है वो एक बड़े सुपरस्टार के क्लिपर पे नहीं है। भाई फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है रैंडी ओटन और 14-time वर्ल्ड चैम्पियन है। अभी कुछ समय से वो इंजरी की वजह से गायब है WWE से, लेकिन बहुत ही जल्द WWE में उनकी वापसी होने वाली है। बताया ऐसा जा रहा है रसल वोट्स की तरफ से कि रैंडी ओटन जो है वो रेसलमेनिया में कर सकते हैं अपना रिटर्न। कर नहीं सकते, बल्कि आप ये मानिए कि 80% कंफर्म है कि रैंडी ओटन आने वाले हैं रेसलमेनिया में, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर रैंडी ओटन आते हैं तो वो लड़ेंगे किसके साथ, भाई मैच किसके साथ होगा। एक बात और रसल वोट्स ने यहाँ पर बताई कि रैंडी ओटन जो है वो एज अ हील सुपरस्टार आएंगे, जबकि वो जब यहाँ से गए थे इंजर्ड होकर WWE से, तब वो एज अ फेस सुपरस्टार थे। अब जिन बंदों को नहीं पता फेस सुपरस्टार और हील सुपरस्टार क्या होता है, उनको बता दूं, फेस सुपरस्टार का मतलब होता है कि जो एक काफ़ी अच्छा दिखने में होता है, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, जो ईमानदारी से अपने कैरेक्टर को प्ले करता है, जैसे कि कोडी रोड्स। और हील सुपरस्टार कैसा होता है, हील सुपरस्टार होता है जैसे कि रोमन रेंज है अभी, एज अ विलन आप समझ लीजिए कि एक विलन को कहते हैं हील सुपरस्टार। फेस सुपरस्टार लाइक री मिस्टीरियो और जॉन सिना वगैरह, ये जो है ये सब के सब एक फेस सुपरस्टार है, और जैसे रोमन रेंज है ये एक हील सुपरस्टार है। तो कमेंट में ज़रा मुझे बता दो सेथ रॉलिंस हील सुपरस्टार है या फेस सुपरस्टार है। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं। रैंडी ओटन जो है मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोडी रोड्स या फिर रोमन के मैच में आ जाए, या तो फिर उसोज और जो केविन और सैमी जेन का मैच होने वाला है उसमें आ जाए, कहीं पर ही आए भाई, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो रैंडी ओटन का रिटर्न देखना चाहता हूँ, वो हील सुपरस्टार आए या फेस सुपरस्टार आए। रैंडी ओटन एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा से ही एक, जो कहते हैं ना कि हेडलाइन एक पोस्टर बॉय की तरह रहे हैं WWE में, और होना भी चाहिए भाई, जिस तरह के वे सुपरस्टार हैं वो डिज़र्व करते हैं ऐसा होना। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि रैंडी ओटन के साथ क्या होता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यार आई है ब्रे वाइट की तरफ से, और ब्रे वाइट को लगता है रेसलमेनिया मिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी उनके हेल्थ इंजरी की जो इश्यूज़ है वो ठीक नहीं हुए हैं, और इसके अनुसार जो बॉबी लैशली है वो लड़ सकते हैं एला नाइट के साथ। समझ में नहीं आ रहा है, रेसलमेनिया इस बार थोड़ी कन्फ्यूज कर रही है। यही नहीं पता कि सुपरस्टार आने वाले हैं या नहीं। स्टोरी लाइन शुरू कर दी थी ब्रे वाइट की, लेकिन उसके बाद से वो फिर गायब हो गए। सो भाई ये मामला थोड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे, और देखना पड़ेगा कि ये कैसे आगे चलेगा। अगर ब्रे वाइट रिटर्न करते भी है WWE में, जो कि करेंगे भी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन करेंगे कैसे भाई, ये स्टोरी कहाँ पर जाएगी उनकी, आते ही किस स्टोरी में आप उनको लगाओगे। या तो फिर हो सकता है, मैं दुआ करूँगा कि फीड रिटर्न हो जाए, रेसलमेनिया में उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर वो बाद की बात है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। रोमन रेंज रेसलमेनिया के बाद गायब होने वाले हैं, और ये खबर सुनकर रोमन रेंज के फैंस में काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है कि भाई अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया में जीत रहे हैं तो भाई उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं हो सकता कि वो रेसलमेनिया के बाद छुट्टी पर जाए, क्योंकि आप एज अ WWE चैम्पियन और एज अ यूनिवर्सल चैम्पियन कम्प्लीट कर रहे हो, और आप अगर मैच के विनर हो गए उसके बाद अगर आप 3-4 महीने की छुट्टी पर जाए तो भाई वो एक बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, और मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल भी नहीं बनाता। लेकिन हो सकता है कि कोडी रोड्स हार जाए मैच, रोमन रेंज ऐसा बैक टू नॉर्मल हो जाए, वापस ट्रिपल एच से बात करें, और उनको अलग से पे करने पड़े कि जो रो और स्मैकडाउन है उस पर रोमन रेंज आए। ऐसा होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी का, जैसे कि 2 shows छोड़कर तीसरे shows में आने का है, तो WWE रोमन रेंज को अलग से पे कर सकती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में रो और स्मैकडाउन का नहीं आना रखा है तो उस काम आपको अलग से पे करेंगे, तो आप एज अ चैम्पियन उसमें भी आ सकते हो। सो ये चीज़ होती है, शेड्यूल के हिसाब से बाद में बदल भी सकती है। हो सकता है जो बैटिंग ओड्स है उसके हिसाब से WWE ने रोमन रेंज को एडवर्टाइज ना किया हो, ताकि सब लोग जो कोडी रोड्स पर हैं उन पर अपना दाव लगा दे। बहुत सी बातें होती हैं, सोचना पड़ता है इनको दिमाग से। और इसी के साथ ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखना होगा कि क्या उसोज अपने टैग टीम चैंपियनशिप को कैचअप कर पाएंगे, क्योंकि भाई इस बार जो केविन ओवंस और सैमी जेन है ना, मुझे नहीं लगता कि दोनों छोड़ने वाले भी है। देखना काफ़ी
ऐसा रहेगा, रेसलमेनिया की हाइप तो है यार, लेकिन उस तरह से डब्ल्यू डब्ल्यू ने डिलीवर नहीं कर पाई। मतलब कोडी रोड्स को आप लुडविक काइजर के साथ लड़वा रहे हो, जो बंदा रेसलमेनिया के नाइट टू पे मेन इवेंट करने वाला है, सेंस क्या बनाता है भाई इस चीज़ का। उधर रोमन रेंज है जो 4 दिन अपना लौटते हैं, 5वें दिन अपना जगते हैं और 5वें शो में आकर यार आ जाते हैं। बीच में 3 स्मैकडाउन छोड़ दिया या 2 स्मैकडाउन छोड़ दिया, और रो पे तो भाई आना ही नहीं है कुछ भी। सो ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए तो, ऑनेस्टली बताऊँ, एज अ रोमन रेंज फैन हाँ हूँ, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है भाई अगर कोई चैम्पियन अपसेंट हो रहा हो। अपने व्यूज इस पर आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में, ज़रूर अपना नाम लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।